Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना की जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चलने के फिलहाल अभी हम ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना में लाइव वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इस रेल लाइन परियोजना का काम अभी रुका हुआ है। और जहाँ काम चल रहा है वो है जो सोन नदी का जो ब्रिज है रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना का, वहाँ पे जो पहाड़ों की कटाई चल रही है। इसके अलावा पूरी तरीके से काम बंद है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, किसानों से घिरा हुआ है। यहाँ के जो किसान होते हैं वो अपने अपने खेतों में धान की खेती कर चुके हैं, इस वजह से रेलवे लेवलिंग वगैरह का किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण की भी कई समस्याएं चल रही हैं। लगातार सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए माननीय सांसद रीति पाठक जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो सके। माननीय सांसद जी के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग नौकरी के पात्र हैं उनको रेलवे में नौकरी दी जाए। हालांकि सुनने में आया था कि रेलवे बोर्ड से मना कर दिया गया था कि फिलहाल अभी नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा सुनने में आया था, लेकिन इसके बाद भी माननीय सांसद रीति पाठक जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन 11 नवंबर 2019 के पहले अधिकृत की गई थी, उन किसानों को रोजगार दिया जाए। आपको बताते चले कि माननीय सांसद रीति पाठक जी के द्वारा हमेशा से प्रयास किया जाता है कि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द पूरा हो सके, क्योंकि उन्हीं के कड़े प्रयासों से रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को बजट मिला है। उन्हीं के प्रयासों से रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना बन रही है उन्हीं के कार्यकाल में। अगर वो सांसद कार्यकाल में नहीं होती तो ये रेल लाइन परियोजना अभी तक नहीं बन पाती। इसी वजह से वो चाहती हैं कि 2024-2025 के आसपास ये इस रेल लाइन परियोजना को पूरी तरीके से रेल लाइन परियोजना बन जाए, ताकि सिंगरौली से जबलपुर के लिए वाया रीवा के रास्ते नई ट्रेन चल सके, ताकि विंध्य क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। लेकिन इसमें जो किसान नौकरी के पात्र थे उनको रेलवे के द्वारा जो नौकरी नहीं दी जा रही थी, तो किसान काफी परेशान थे, उनको एक सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से माननीय सांसद रीति पाठक जी ने 8 सितंबर 2022 को जबलपुर में महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे श्री सुधीर गुप्ता जी से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान माननीय सांसद जी के द्वारा आग्रह किया गया कि 11 नवंबर 2019 के पहले जिनकी भूमि अधिग्रहित हुई है उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए, और रोजगार प्रदान करने की जो प्रक्रिया है इसको शीघ्र पूर्ण किया जाए। बताया गया कि प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर रेलवे बोर्ड को भेजने हेतु उनके द्वारा आग्रह किया गया है माननीय सांसद जी के द्वारा। इनके अलावा माननीय सांसद जी ने दूरभाष पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व संभागायुक्त रीवा से चर्चा कर रोजगार प्रदान करने में आ रही समस्याओं को समाधान बनाकर निराकरण करने हेतु कहा है। महाप्रबंधक से माननीय सांसद के द्वारा आग्रह किया गया कि रीवा सीधी लाइन में बचे हुए जो रकबे थे, जो छूट गए थे, उन रकबों और मुआवजा वितरण शीघ्र किया जाए, और जो नया ब्रिज बन रहा है इस ब्रिज के निर्माण हेतु कार्यालयीन कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए। इनके अलावा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था किसानों के द्वारा। माननीय सांसद जब बाहर आई तो उन्होंने किसानों से भी मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और उनको भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो और जो ऐसे किसान हैं जो रोजगार के पात्र हैं उनको रोजगार दिया जाए। इनके अलावा आपको बताते चलें कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में रोजगार पाने के लिए जिन किसानों ने धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे उनके द्वारा एक मांग पत्र दिया गया, और मांग पत्र में जीएम ने साइन भी कर दिया। उस मांग पत्र में क्या बोला गया है आइए हम आपको बताते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है आप सभी के बीच में। बताया गया है मांग पत्र में कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के सतना रीवा रेल लाइन के बिरहुली सकरिया पन्ना से सतना रेल लाइन के देवेंद्र नगर नागोद पन्ना छतरपुर रीवा सीधी के किसानों को आज 9 सितंबर 2022 पश्चिम मध्य रेलवे मंडल महाप्रबंधक ऑफिस के गेट के बाहर धरना आंदोलन किया गया। फिलहाल धरना आंदोलन खत्म कर रहे हैं किसान। अगर ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के सतना रीवा रेल लाइन के बिरुली सकरिया सतना पन्ना रेल लाइन के देवेंद्रनगर नागोद सतना रीवा सीधी के किसानों को तत्काल नौकरी की प्रक्रिया चालू नहीं की गई, तो मांग पत्र का निराकरण 7 दिन में अगर नहीं किया गया तो 15 दिन के बाद जीएम ऑफिस के बाहर एवं दिल्ली रेल मंत्रालय के बाहर आमरण अनशन करने के लिए किसान मजबूर हो जाएंगे एवं अपने जमीन में रेलवे को काम नहीं करने देंगे। किसानों के द्वारा मांग पत्र में ये भी लिखा गया कि हमारे अधिग्रहण 2015 एवं 2017 में कर लिया गया था एवं रेलवे के क्राइटेरिया के अनुसार 11 नवंबर 2019 के पूर्व सभी का अवार्ड पारित है।
कुछ किसानों का मेडिकल भी हो गया है एवं कुछ किसानों का SR भी करवा दिया गया है। कुछ किसानों का अभी तक मेडिकल नहीं कराया गया है। अगर किसानों को गुमराह किया जाता है तो ऐसे में रेलवे के अधिकारियों द्वारा किसानों की मांग 7 दिन के अंदर भर्ती की प्रक्रिया चालू नहीं की गई, तो 15 दिन के बाद नई दिल्ली में रेल मंत्रालय में आमरण अनशन पर किसान बैठ जाएंगे एवं अपनी जमीन में रेलवे का काम नहीं करने देंगे। किसान सतना रीवा रेल लाइन के बिरहुली सकरिया के किसानों के 88 दिन आंदोलन के बाद नियुक्ति कराने की अधिसूचना रेल मंडल प्रबंधक जबलपुर द्वारा निकाली गई एवं सतना सांसद महोदय एवं रेल मंडल जबलपुर के सक्षम अधिकारी द्वारा किसानों का आंदोलन जूस मिलाकर समाप्त कराया गया, तो रेलवे के सक्षम अधिकारी एवं माननीय सांसद महोदय सतना के द्वारा कहा गया कि 6 महीने के अंदर नियुक्ति कर ली जाएगी, किंतु अभी तक सतना SDM महोदय से भौतिक सत्यापन ही कराया गया एवं बिरहुली सकरिया की एक भी किसान की नियुक्ति नहीं की गई। अन्ना देवेंद्र नगर नागौद के कुछ किसानों का मेडिकल भी हो गया एवं कुछ किसानों का SR भी 10 महीने पहले भरवा दिया गया है, इसके बाद भी अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई। निम्नलिखित मांगों की तत्काल पूरी की जाए। मांग क्या है? सतना रीवा रेल लाइन के बिरहुली सकरिया सतना पन्ना रेल लाइन के देवेंद्र नगर नागौद पन्ना छतरपुर रीवा सीधी सिंह रोडी रेल लाइन के सभी किसानों की भर्ती की प्रक्रिया 7 दिन के अंदर चालू की जाए एवं जिनका मेडिकल व SR हो गया है उनको 15 दिन के अंदर सभी प्रक्रिया पूर्ण करके ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। ये मांग पत्र जो दिया गया है पहले बता दे रहे हैं आप सभी को, सबको नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोग 11 नवंबर 2019 के पहले तक जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है, जो नौकरी के लिए पात्र हैं रेलवे के नियम के अनुसार, उनके लिए ये मांग पत्र सौंपा गया है। ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि सबको नौकरी मिलेगी। दूसरा जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि सभी किसान आंदोलन कार्य का सभी का 1 माह के अंदर सभी प्रक्रिया पूर्ण करके ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए एवं जिनका मेडिकल नहीं हुआ है उनको मेडिकल करवाया जाए और 1 माह के अंदर सभी प्रक्रिया पूर्ण करके ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दिल्ली में रेल मंत्रालय के बाहर आमरण अनशन किया जाएगा। तो इस प्रकार की मांग किसानों के द्वारा रखी गई है। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के बीच में। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग नौकरी के पात्र हैं उनको रेलवे के द्वारा नौकरी दी जाए। इस विषय पे माननीय सांसद रीति पाठक जी के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, माननीय सतना सांसद इनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, माननीय रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी इनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। लगभग सभी जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो सके, जो किसान नौकरी के पात्र हैं उनको नौकरी दी जाए। तो फिलहाल जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे विंध्य के वो सभी किसानों के साथ हैं। तो फिलहाल जैसे ही इस रेल लाइन परियोजना की किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, भर्ती प्रक्रिया से लेकर मुआवजा संबंधित जानकारी, नौकरी से संबंधित जानकारी, मेडिकल से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।